हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम आ गए हैं पातलपानी रेलवे स्टेशन पर और यहाँ को दिख रहा होगा कि पातलपानी रेलवे स्टेशन पर हमारी हेरिटेज ट्रेन खड़ी हुई है। ये हेरिटेज ट्रेन डॉक्टर अंबेडकर नगर महू से कालाकुंड के मध्य चला करती थी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, महू से मीटर गेज पूरी तरीके से विदा हो चुकी है। तो जो मीटर गेज के जितने भी कोचेस थे और लोकोस थे, इंजन्स थे, उन सभी को पातलपानी शिफ्ट कर दिया गया है। क्योंकि अब भविष्य में जो भी हेरिटेज ट्रेन चला करेगी पातलपानी से कालाकुंड के मध्य, वो ट्रेन इसी स्टेशन से चला करेगी। दोस्तों, अभी रेलवे द्वारा तैयारी की जा रही है कि हेरिटेज ट्रेन का संचालन यहाँ से किया जाए इस साल। क्योंकि जो मेन आकर्षण रहता है इस पूरे एरिए का, इस पूरे क्षेत्र का, वो मानसून में ही रहता है। एक तरीके से ये स्थान टूरिस्ट स्पॉट हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी सारे टूरिस्ट आते हैं आसपास के क्षेत्र के, इंदौर महू तरफ के। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए यहाँ पर अभी रेलवे का फिर विचार है कि इस हेरिटेज ट्रेन का संचालन इस मानसून फिर से किया जाए। दोस्तों, अभी जब मैं आया था, मीन्स कल के दिन मैंने ये यहाँ पर विज़िट किया था, तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर अभी मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। हेरिटेज ट्रेनों के जो डब्बे हैं उनका मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। जो चार लोकोज हैं, जो चारों लोको हेरिटेज लिवरी के हैं, उन चारों लोगों का भी मेंटेनेंस का कार्य चल रहा है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 5-10 दिनों में हेरिटेज ट्रेन का संचालन संभव है। और जो मुझे यहाँ पर पता चला, वो एक और बात पता चली कि इस स्टेशन पर आना आम लोगों के लिए संभव नहीं है, क्योंकि इस स्टेशन का रास्ता बड़ा ही पेचीदा है। तो दोस्तों, हो सकता है कि जो हेरिटेज का ट्रेन का संचालन किया जाए, वो जो पातलपानी वाटरफॉल का जो इस ट्रेन का स्टॉप दिया हुआ है, वहाँ पर एक वेल डेवलप प्लेटफॉर्म तैयार है, तो वहाँ से इस ट्रेन का संचालन इस साल के लिए शुरू हो सकता है इस हेरिटेज ट्रेन का। और क्योंकि पातलपानी तक जाने का रास्ता काफ़ी सुगम है और वहाँ से थोड़ा सा पैदल अगर हम जाते हैं, तो जो पातलपानी वाटरफॉल का प्लेटफॉर्म बना हुआ है, वहाँ तक आराम से यात्रीगण पहुँच सकते हैं और इस ट्रेन को पकड़ सकते हैं, क्योंकि इस स्टेशन को पहुंचने का रास्ता बहुत ही डिफ़िकल्ट है। दोस्तों, ये जो पातलपानी का स्टेशन है, यहाँ पर अभी मीटर गेज के टोटल चार लोकोज हैं, चारों हेरिटेज लिवरी वाले हैं और एक पूरा रैक है डेडिकेट हेरिटेज ट्रेन का, इसमें 6 से 7 डब्बे हैं, इसमें कि 2 विस्टाडोम कोच हैं। और इसी के साथ ही एक पूरा डेडिकेटेड रैक पैसेंजर ट्रेन का है यहाँ पर, और एक एक्सीडेंटल रिलीफ ट्रेन का रेक रखा हुआ है। तो दोस्तों, और ये आप देख सकते हैं, ये जो सीधे रास्ता जा रहा है, यही कालाकुंड और चोरल की घाटियों में जाता है। दोस्तों, 1500 किलोमीटर का ये पूरा सेक्शन था मीटर गेज का, अब ये सिमट के सिर्फ मुश्किल से 15-20 किलोमीटर का रह गया है ऑपरेशनल। ऑपरेशनल भी जब ये हेरिटेज ट्रेन चलेगी तभी ये ऑपरेशनल कहलाएगा। सिर्फ पातलपानी से कालाकुंड तक ये रास्ता, ये सेक्शन ऑपरेशनल रह जाएगा। इसके अलावा कालाकुंड से आगे चोरल तरफ ट्रेनें नहीं जाया करेगी। दोस्तों, वैसे उम्मीद तो नहीं थी कि इस साल हेरिटेज ट्रेन चलेगी, किंतु रेलवे चलाने का सोच रहा है तो काफ़ी अच्छी बात है। पर्यटन की दृष्टि से भी काफ़ी अच्छी बात है ये, और जो मीटर गेज के लवर्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात है कि उनको एक बार फिर इस सेक्शन पर हमारी मीटर गेज ट्रेन चलती हुई दिखेगी। क्योंकि अभी तक तो हम सब ये मान चुके थे कि 31 जनवरी 2023 को जो मीटर गेज ट्रेन चली थी वो लास्ट मीटर गेज ट्रेन थी इस सेक्शन की। उसके बाद हमें शायद ही कभी भी इस सेक्शन पर मीटर गेज ट्रेन देखने को ना मिले, किंतु अब उम्मीद जग उठी है कि हमको फिर से पुराने समय की मीटर गेज ट्रेन फिर से इस सेक्शन पर चलते हुए दिखेगी, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। और जितना हमसे होगा हम इस हेरिटेज ट्रेन को एक बार कवर करने की ज़रूर सोचेंगे, जिससे कि अपने जो नियमित दर्शक लोग हैं और जो मीटर गेज के फैंस हैं उनके लिए एक स्पेशल कवरेज हम हेरिटेज ट्रेन की ज़रूर ला सकें। तो यह था आज का वीडियो दोस्तों। आई होप आपको यह कवरेज और यह वीडियो अच्छा लगा होगा और ये जो चर्चा थी वो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह चर्चा, ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए एवं अपने साथियों के साथ शेयर करिए।